एक तरह से बोले सब लोगों ने सब बोले तो आवाज नहीं तरफ से बात चल रही थी क्या पप्पू यादव के साथ भी जाएंगे कल पप्पू यादव ने कहा है कि जी मेरे साथ आ रहे हैं अभी हमने जो गठबंधन बनाया उसकी जानकारी हमको हमने आपको दी और लोग भी आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे लेकिन जब जो लोग आएंगे तब उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तेजस्वी से क्या बात हुई गठबंधन तोड़ना पड़ा? हमने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अपना नेतृत्व बदले क्योंकि कैसे हम बिहार के गरीब लोगों को विश्वास का भरोसा दिला पाएंगे आपके बच्चों के लिए हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे अगर हमारा मुखिया हमारा नेतृत्व करता खुद ही मैट्रिक पास न हो तो कुल मिला जुलाकर अब इस वजह से उनके यहाँ कोई सोच ही नहीं थी कि कैसे बिहार बढ़े बढ़े तो स्वाभाविक रूप से उसको निर्णय लेना था नहीं। गए थे उस समय गए थे तो प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई थी मुख्यमंत्री बनने की बिहार का मुखिया बनने की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आज भी उस गठबंधन का बड़ा पार्टनर जो कांग्रेस है उनका बयान आज का नहीं लगातार मांझी जी चले गए उनका बयान कि भले किसी पार्टी ने अपना नेतृत्व तय कर लिया हो महागठबंधन ने अब तक फैसला नहीं लिया और यह स्थिति थी और इसलिए मुझको लगता था कि महागठबंधन बैठेगा तो निश्चित रूप से इस बात पर विमर्श होगा लेकिन अंत में हुआ कि नहीं इस बात पर कोई विमर्श नहीं होना है तब मुझको निर्णय लेना। देखिए हमने अपने गांव को समंदर में उतार दिया है अब उस पार हमको जाना है तो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लेकिन जिन लोगों को लहर से डर लगना है तो हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई अब हमने जब उतार दिया है तो हट जरा जांच करवा ले जिनका हट मजबूत हो तो मेरे साथ नाव पर चले उस पार पहुंचेंगे और जिनका कमजोर हो तो उतर जाए तो कमजोर जिनका है लोग उतर रहे हैं इससे ज्यादा मजबूत तो रघुवंश बाबू का भी इंतकाल हो गया जगदानंद किनके नेतृत्व के तहत जाना चाहते थे आप? नहीं देखिए तय मेरा अकेले हम कौन तय करने वाले होते थे भाई पूरा महागठबंधन बैठता वहां चर्चा होती ना हम कैसे किसी का नाम बता देते तो मतलब माफ कीजिएगा वाल्मीकि नगर की बात कहां से आई आप जहां खड़े हैं वहां से आए वाल्मीकि नगर की बात कहां से कट गई आप जहां खड़े हैं वहां से कट गई मेरे यहाँ वाल्मीकि नगर की बात न आई न वाल्मीकि नगर की बात कटी आपके तरफ से आई और आप ही की ओर से कटी। दो सवाल है पहला है कि आपने भ्रष्ट कह दिया पिछली महागठबंधन की सरकार फिर आपने कहा कि जो नीतीश कुमार 15 साल से चला रहे हैं वो भ्रष्ट है फिर जब नीतीश कुमार केंद्र में आपको साथ आ गए बीजेपी के साथ तो फिर आप वहाँ केंद्र में क्या कर रहे थे और फिर वहाँ से छूटकर महागठबंधन नीतीश कुमार गए तो दोबारा ही आ गए बिहार में सभी सीटों पर। चुनाव के बाद किसको समर्थन करेंगे? देखिए हम खुद जो गठबंधन हमारा बन रहा है इसकी सरकार बनाएंगे हम इसके लिए हमने गठबंधन बनाया क्या चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रही है क्या? देखिए बात जो चल रही है या नहीं चल रही है मुझसे ज्यादा इसकी जानकारी आपको आप चाहेंगे कि चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ वो भी नाराज
जिस मुहिम की हम चर्चा कर रहे हैं, नया बिहार, अच्छा बिहार, शिक्षा वाली सरकार, रोजगार देने वाली सरकार, इस मुहिम के साथ जो आना चाहे उनका स्वागत। कांग्रेस से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा? अब कुछ बात आगे के लिए रहने दीजिए। देखिए, हमारा गठबंधन जिसका निर्माण हम कर रहे हैं वैसा गठबंधन नहीं है उन लोगों की तरह कि कोई एक पार्टी या एक नेता तय कर दे। अब जब गठबंधन हमने बनाया है, आज गठबंधन की नींव पड़ रही है, तो हम सब लोग जो गठबंधन में हैं बैठेंगे और आपके सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे, फिर बताएंगे आपको। जनता इसलिए भरोसा करेगी कि हमने रास्ता कभी कभी जरूर बदला है, लेकिन मंजिल हमने कभी नहीं बदली। आपको भी अगर आना पड़ा होगा अपने ऑफिस से, तो ट्रैफिक जाम के कारण रास्ता बदलना पड़ा होगा, लेकिन आना था मौर्या होटल, रास्ता ठीक भले आपको बदलना पड़ा हो, लेकिन आज है मौर्या होटल। हमको भी मौर्या होटल आना है, तो रास्ता ट्रैफिक जाम के कारण कई बार बदलेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा है मौर्या होटल, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो हमने नहीं किया है इसलिए जनता भरोसा है। देखिए, बिहार का इंटरेस्ट बड़ा है, उस पर ध्यान रखकर के हम अपनी रणनीति तय करेंगे। हमने जिनमें कहा ना कि हमारा जो है बिहार बेहतर बिहार बने, अच्छा बिहार बने, गरीब बच्चों के भविष्य को बढ़िया बनाने वाला बिहार बने, इन बातों को ध्यान में रखकर कोई भी हमारे साथ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी जी ठीक बताएंगे, गठबंधन का नाम वगैरह जो भी सवाल गठबंधन के बारे में आपका है, हम लोग बैठ कर तय करेंगे। ध्यान हाथ उठा दिया।